मगणी दोस्तों, जय भवानी। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल व्हील्स ऑफ विस्की के अंदर। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि व्हाट इज सिंगल मॉल्ट विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की क्या होती है और सिंगल मॉल्ट विस्की कैसे बनती है। आज हम दोनों प्रोसेस के बारे में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जनाब, मैं लॉकडाउन के अंदर इतना फ्री हूँ कि मैंने पूरे घर का एक एक कोना तक नाप लिया है। अबे पहले खुद को तो छान ले तू यार। जैसे जनाब की मैंने गिना है कि मेरे सिर में 5,30,30,440 बाल हैं। ये काउंटिंग ऊपर से लेकर नीचे तक की है क्या? जनाब ऊपर के, अगर नीचे के काउंट करेंगे तो 21 दिन का लॉकडाउन भी कम पड़ जाएगा। और जनाब मुझे लॉकडाउन के अंदर घर पे एक ऐसा यंत्र मिला है जो एक बार में दो अलग अलग काम कर देता है। मतलब बेलन? जनाब बेलन, ये रोटी तो गोल बनाता है लेकिन पति को सीधा कर देता है। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सिंगल मॉल्ट विस्कीज के ब्रांड है वो ब्रांड बताना चाहता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है, कभी अगर आप लोगों ने पास्ट के अंदर वो सिंगल मॉल्ट विस्की पी है तो आप इजीली इस एपिसोड को रिजेंबल कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और इजीली समझ पाएंगे। तो जो फेमस ब्रांड्स है इंडिया के अंदर और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो बिकते हैं सिंगल मॉल्ट विस्की में, वो है ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिविट, मेलविनी एंड स्प्रिंग्स पैंट। अब मॉल्ट विस्की जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है आपका स्कॉटलैंड का और ये बनती है मॉल्टेड बार्ले से। अब मॉल्टेड बार्ले क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बार्ले मतलब होता है आपका जो हमारे घरों के अंदर भी हम इस्तेमाल में करते हैं। और मॉल्टिंग उसका एक प्रोसेस होता है। होता क्या है, जो होते हैं उसको पहले गीला करते हैं, उसके बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद बेसिकली उसको यूज़ लिया जाता है विस्की और बियर बनाने के लिए। तो ये मॉल्टेड हो जाता है, ये मॉल्टिंग प्रोसेस होता है। इसलिए कोई भी विस्की और बियर बनाने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ लेते हैं उसे मॉल्टेड बार्ले कहते हैं। और सिंगल मॉल्ट जो विस्की है वो सारी मॉल्टेड बार्ले से ही बनी होती है। अब जो सिंगल मॉल्ट विस्की होती है बेसिकली वो एक ही डिस्लरी के अंदर बनी हुई होती है। डिस्लरी क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे टायर बन रहे हैं किसी फैक्ट्री में तो हम उसको बोलते हैं टायर की फैक्ट्री। फर्नीचर बन रहा है तो हम बोलते हैं फर्नीचर की फैक्ट्री। तो जहाँ पे विस्की बनती है, दारू बनती है, शराब बनती है, उस जगह को हम फैक्ट्री नहीं बोलते, उस जगह को हम डिस्लरी बोलते हैं। तो मैं जब भी ये वर्ड डिस्लरी यूज़ लूँगा तब समझ जाइए मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे विस्की मैन्युफैक्चर होती है। अब अंडर यूनाइटेड किंगडम स्कॉच विस्की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो स्कॉच विस्कीज़ है उसके लिए पर्टिकुलर कोई नियम कायदे कानून बने हुए हैं, बहुत ही सख्त कानून है। और उसके अकॉर्डिंग ही एज पर जो भी कंपनी इसको फुलफिल करती है वही स्कॉच विस्की बना सकती है। इनके नियमों के अनुसार ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इनको जब जाके स्कॉच विस्की तैयार होती है। तो थ्रू आउट द यूके स्कॉटलैंड के अंदर हम देख लें जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्लरीज है विस्की की, सबसे पुरानी डिस्लरीज है विस्की की, वो सब ये नियम कायदे और कानून फॉलो करते हैं विस्की रेगुलेशंस के। अब बेसिकली इसके जो तीन नियम है वो तीन मेन नियम है। पहला नियम ये है कि जो सिंगल मॉल्ट विस्की है वो बनेगी सिर्फ मॉल्टेड बार्ले से ही, इसके अलावा कोई भी ग्रेन या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते सिंगल मॉल्ट को बनाने के लिए। जो यूज़ लेंगे चीज़ वो लेंगे सिर्फ मॉल्टेड बार्ले, मॉल्टेड जो ही इस्तेमाल किया जाएगा। जो दूसरा नियम होता है उसके अनुसार जो सिंगल मॉल्ट होता है वो डिस्टिल्ड होता है आपके पॉट स्टिल्स के अंदर इन अ सिंगल डिस्टिलरी। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉट स्टिल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टिलरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है कि आपके जितने भी जैसे माल्टेड बार्ले हैं इनको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद इसको ठंडा किया जाएगा और इनसे जो वेपर निकलते हैं ये वेपर्स आपके जाएंगे पॉट स्टिल्स के अंदर। पॉट स्टिल एक कॉपर के बहुत बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर से विस्की बनाने का प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में यही होता है कि पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ये मॉल्टेड बार्ले में से, उसमें अल्कोहल भी आ गया आपका, इथेनॉल भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को ही डिस्टिलेशन बोलते हैं। और पॉट स्टिल बेसिकली कॉपर के बड़े बड़े फ्लास्क होते हैं जिनके अंदर से विस्की जाती है, जिनके अंदर से विस्की बनती है। तो ये दो चीज़ें बहुत कंपलसरी है कि सिंगल डिस्टिलरी के अंदर ही पॉट स्टिल सेटअप होते हैं और वहीं पर ये सिंगल मॉल्ट विस्की बननी चाहिए। और जो तीसरा नियम होता है उसके अनुसार ये है कि इन सब दारू को एज करना पड़ेगा आपको ओक बैरल के अंदर मिनिमम 3 साल के लिए, और उसकी कैपेसिटी 700 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओक बैरल्स की। अब मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ कि ओक बैरल क्या होता है। ओक बैरल बेसिकली लकड़ी के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसके अंदर विस्की को रखा जाता है। जैसे विस्की आपकी बन गई तो फिल करके ओक बैरल के अंदर डाल देंगे। अब ओक बैरल को 3 साल के लिए मतलब इसको पैक कर देंगे, सील पैक करने के बाद इसको रख देंगे वेयर हाउस में और 3 साल तक ये विस्की वहीं रखी रहेगी, इसको टच नहीं करेंगे। मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए। बेसिकली जो सिंगल मॉल्ट से वो कई आती है 12 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, तो
तीन साल का तो लॉ है, तीन साल तो कम से कम इनको रखना ही पड़ेगा इन बैरल्स के अंदर। वो बैरल्स मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, तीन साल के लिए इनको रखना पड़ेगा। और जो एजिंग, एजिंग मतलब आपने दारू भरी, इसकी भरी बैरल्स के अंदर और इसको वेयरहाउस में रख दिया, अभी दो साल तीन साल जो समय वहाँ पे बीत रहा है उसे एजिंग बोलते हैं, समय बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपकी जो विस्की है वो कितने साल पुरानी है, पाँच साल पुरानी मतलब पाँच साल तक वो वेयरहाउस में रही है बैरल्स के अंदर, दस साल पुरानी, बारह साल पुरानी। तो एजिंग का मतलब यही है कि विस्की को फिल करने के बाद उसको रख दिया और उसके बाद जो टाइम है वो टाइम ही उस विस्की को बनाएगा। तो पेशेंस इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन मेन रूल्स है, रेगुलेशन है जो फॉलो करने पड़ेंगे स्कॉटलैंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको सिंगल मॉल्ट विस्की बनानी है। अब बेसिकली सिंगल मॉल्ट विस्की बनती कैसे है, क्या प्रोसेस रहता है इसके बनने का, मैंने आपको चीज़ें बता दी कि क्या क्या रेगुलेशन है और कौन कौन सी जो लॉज हैं उनको फुलफिल करने पड़ेंगे विस्की को बनाने के लिए। बट ये बनेगी कैसे, फैक्ट्री का क्या प्रोसेस होता है टोटल, तो मैं आपको एक वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, आप इसको देख लीजिए, इससे आप इजीली समझ जाएंगे कि सिंगल मॉल्ट विस्की को बनाने का प्रोसेस क्या रहता है। विस्की तीन चीज़ों से बनाई जाती है, जो, पानी और ईस्ट से। विस्की बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है मॉल्टिंग प्रोसेस से। सबसे पहले बाड़ले को गीला किया जाता है और फिर सुखाया जाता है। गर्म हवा और स्मोक से मॉल्टेड बाड़ले को सुखाया जाता है जिससे कि इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाए। जर्मिनेशन प्रोसेस में जो एंजाइम होते हैं बाड़ले के अंदर, उन्हें सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। फिर बाड़ले को मैशिंग प्रोसेस में पीस लिया जाता है। उससे पहले इसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं उन स्टोन्स को निकाला जाता है और स्टोन्स निकालने के बाद इसे पीसने के लिए डाल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में ग्रिस्ट को मिक्स किया जाता है गर्म पानी से। इस प्रोसेस में सॉल्युबल शुगर निकल जाती है और पानी का घोल रह जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मशीन में ये कार्य किया जा रहा है। ये वाला कार्य बंद टैंक में भी किया जाता है, जो का बचा हुआ हिस्सा काम में लिया जाता है गायों के लिए शानदार चारा बनाने में। अब ईस्ट रूम में ईस्ट को मिलाने का काम किया जाता है। अब ईस्ट को मिलाए जाते हैं शुगर लिक्विड्स में और ये पार्शियली अल्कोहल बनाती है। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। ये बड़े पाइप में पानी निकाला जाता है जिससे कि इनकी धुलाई हो जाए। फिर उसके बाद प्रोपेलर चलाए जाते हैं जिससे कि झाग ना बने। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब जो भाप होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है कंडेंसेशन प्रोसेस से। अब इस वीडियोस में अलग अलग डिस्टिलरीज के स्पिरिट कंट्रोल रूम दिखाए गए हैं। अब इस समय बैरल में जो स्पिरिट भरी हुई है वो 63.5% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। विस्की को स्टोर करने के लिए कास्क बनाए जाते हैं। कास्क बनते हैं ओक वुड से। कई कास्क जो होते हैं वो रीयूज भी होता है, जिसके अंदर पहले बर्बन विस्कीज बनाई जा चुकी है। विस्की के कास्क को एक या एक से अधिक बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये शेरेट अमेरिकन बैरल है जो अंदर से जलाया गया है। फिर विस्कीज को कास्क में भरा जाता है। हर कास्क के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ विस्की भरी जाती है और भरने के बाद उसको ऊपर से वुड का जो लिड होती है, ढक्कन होता है, उस ढक्कन से इसको बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद इन सब को वेयरहाउसेज में भेज दिया जाता है एज पर स्कॉटिश लॉ, कम से कम तीन साल के लिए एजिंग के लिए। ये सारी विस्कीज वेयरहाउस के अंदर रहेगी आने वाले तीन साल तक और कई विस्कीज उससे भी ज़्यादा समय तक इन डिस्टिलरीज के अंदर रहेगी। अलग अलग डिस्टिलरीज के अलग अलग वेयरहाउस होते हैं।
जैसे कि एक ही वेयर हाउस है जहाँ पे कास्क जमे हुए हैं, कहीं पे वर्टिकल जमे हुए होते हैं तो कहीं पे कास्क हॉरिजॉन्टल जमे हुए होते हैं। विस्की की मैच्यूरेशन के लिए उसको पहले चेक किया जाता है, और जब मॉल्ट मास्टर इसको कह देते हैं कि हाँ ये विस्की ओके है, उसके बाद ही उनको निकाला जाता है कास्क से और बॉटलिंग की जाती है। बॉटलिंग प्लांट के अंदर मैच्योर होने के बाद विस्की को फिल किया जाता है। हर डिस्टिलरी का एक सेंट्रलाइज बॉटलिंग पॉइंट होता है जहाँ पे बॉटलिंग फिल की जाती है। और उसके बाद इनको पैक किया जाता है और भेज दिया जाता है कस्टमर्स के लिए अलग अलग शॉप्स पे और अलग अलग बार्स के अंदर सेल होने के लिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड विद व्हील्स ऑफ व्हिस्की एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और भाई यार मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है, एक्चुअली मेरी बीबी जब भी मुझे कुछ बोलती है ना तो मुझको आजकल बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। वो क्या बोलती है? माशाल्लाह जनाब ये बीमारी नहीं है, ये तो खुदा की रहमत है। रहमत? अच्छा क्या बात कर रहा है? अभी निकालती हूँ रहमत तुम्हारी सारी।